गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माई क्लास पिछले दो लेसन में हम जोग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इन विच वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग हाउ टू कंजर्व रिसोर्सिस नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विद अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स विच इज़ कॉल्ड लैंड रिसोर्स ओके या भूमि संसाधन सो वी लिव ऑन लैंड वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन अ डिफरेंट वेज दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थात जो ज़मीन है ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है

भूमि जो है एक बहुत कीमती प्राकृतिक संसाधन है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पहाड़ आते हैं पठार आते हैं मैदान आते हैं और द्वीप समूह आते हैं लगभग फोर्टी थ्री परसेंट एरिया जो हमारा है जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ये प्लेन एरिया है या मैदानी क्षेत्र है ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मैदानी क्षेत्र है इसके बाद थर्टी परसेंट हमारा जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है और तेईस परसेंट हमारा पठारी क्षेत्र है मतलब कि टोटल जितनी भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसमें से लगभग आधे से थोड़ा सा कम हमारे मैदानी क्षेत्र हैं एक तिहाई से थोड़ा सा कम मैदानी क्षेत्र है और लगभग भूमि के पांचवें भाग के बराबर हमारा रीजन है अब नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड अंडर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया सो एज़ वी हैव स्टडीड लैंड फोर्टी थ्री परसेंट लैंड एरियाइज ऑफ प्लेन एरिया दिस एरिया इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री देन द थर्टी थ्री परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ लैंड एरिया इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज एंड सिमिलरली द्लेटो एरियाज इज रिच इन मिनरल फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट ठीक है तो मैदानी क्षेत्र हमारे खेती के लिए और उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट है पहाड़ी क्षेत्रों से हमको जल संसाधन मिलते हैं बहुत सारे जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है और मैं पठारी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हमको खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं तो तीनों का अपना अपना महत्व है देन द नेक्स्ट टॉपिक इज यूज पैटर्न ऑफ इंडिया ठीक लैंड यूज़ पैटर्न मतलब भूमि का हम किस रूप में कितना प्रयोग करते हैं सो अबाउट फोर्टी थ्री पॉइंट फोर वन परसेंट ऑफ द लैंड इज नेट सोन एरिया ठीक है देन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेवन परसेंट सिक्स पॉइंट टू नाइन परसेंट इज वेस्ट लैंड या प्रतिभूमि, भूमि बेकार भूमि जिसको कहते हैं सेवन पॉइंट नाइन टू इज दर्सेंट ऑफ लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल परपज़ देन थ्री पॉइंट फोर फाइव परसेंट ऑफ द लैंड इज पास्टोर लैंड या चारागा भूमि जिसको कहते हैं वन पॉइंट वन परसेंट ऑफ द लैंड इज ट्री क्रॉप्स फोर पॉइंट फोर वन परसेंट ऑफ द लैंड इज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब ऐसी ज़मीन जिसको हम उपयोग तो कर सकते हैं खेती में लेकिन नहीं कर रहे हैं देन थ्री पॉइंट एट टू परसेंट ऑफ़ द लैंड इज फेलो लैंड अदर देन करेंट फैलो मतलब पड़ती भूमि है एंड सेवन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ऑफ लैंड इज करंट फेलो लैंड तो अब सवाल उठता है कि भूमि उपयोग की जानकारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है तो जब तक हमको भूमि उपयोग की जानकारी नहीं होगी तब तक हमें नहीं पता होगा कि हम किस आस्पेक्ट में किस मद में ज़्यादा भूमि का उपयोग कर रहे हैं और किस में कम भूमि का उपयोग कर रहे हैं ठीक है फिर किसी भी देश के आइडियल बैलेंस के लिए भूमि उपयोग बहुत जरूरी होता है द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन अब ये जो भूमि है ये बहुत कीमती है बट बड़ी तेज़ी से इसका नुकसान हो रहा है इसका विकास विनाश हो रहा है हम बड़ी तेजी से भूमि का क्षरण कर रहे हैं सो so,

बोथ ऑफ दिस आर नेचुरल रीजन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल देन द सेकेंड रीज़न इज डम्पिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्राम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट जो हमारे माइनिंग सेंटर्स हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट हैं ये क्या करते हैं अपना कचरा ज़मीन पर फेंक देते हैं तो इस कारण से बड़े पैमाने पर भूमि का नुकसान होता है आपने देखा होगा आपके सिंगरौली में ही बहुत सारी कोयला खदान के आसपास मिट्टी के पहाड़ हैं तो ये बड़े पैमाने पर उस भूमि का नुकसान करते हैं देन द थर्ड पॉइंट इज ओवर इरीगेशन जरूरत से ज़्यादा खेती करने से इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी ऑफ द सॉइल पहले क्या होता था हम कुओं से सिंचाई करते थे तो जितना आवश्यक होता था उतना ही पानी का उपयोग हम करते थे अब चूंकि हमारे पास बिजली हो गई मोटर हो गए पंपिंग सेट हो गए तो हम किसान क्या करते हैं कि गए और सुबह जाकर खेत में बोरिंग चला के चले आते हैं इसके बाद वो पानी ओवरफ्लो होता है चलता रहता है बोरिंग खेत जब भर जाता है तो उसमें मिले हुए जो केमिकल्स है वो ओवरफ्लो होके ह्यूमस के साथ दूसरे जगह पर चले जाते हैं और धीरे धीरे ज़मीन जो है वो नमकीन और खारी हो जाती है देन द नेक्स्ट रीजन इज ओवरग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स सॉरी ओवरग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड डिफोरेस्ट्रेशन बाई ह्यूमन बींग मतलब अति चराई जो होती देखा होगा पशुओं को पता नहीं होता है कि उनका पेट कब भरेगा तो वो चरते रहते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं तो उन पैरों से मिट्टी जो है वो उखड़ जाती है घास या वनस्पति क्या करती है मिट्टी को बांध के रखती है तो जब वो घास को चर लेते हैं तो उनके पैरों से जो ज़मीन है वो नेकेड हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है जिसके कारण पानी के लिए या हवा के लिए उसको उड़ाना आसान होता है और इसी के साथ डिफॉरेस्टेशन बाई ह्यूमन बींग्स मनुष्य बड़े पैमाने पर पेड़ काटता है इस कारण से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है देन द नेक्स्ट रीज़न इज़ वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट द लैंड अब कारखानों से बहुत सारा गंदा पानी जहरीला पानी केमिकल मिला पानी निकलता है और वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है देन द नेक्स्ट रीज़न इज मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्केलाइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट दिस डस्ट इज़ डिपोजिट डिपोजिटेड इन द नेबरिंग लैंड तो बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो डस्ट क्रिएट करते हैं डस्ट फैलाते हैं धूल फैलाते हैं तो इनके कारण भी ज़मीन खराब हो जाती है अपने 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 यहाँ भी देखा होगा सिंगरौली या कोल माइन्स एरिया में बड़े पैमाने पर कोयले की डस्ट उड़ती है तो इसके कारण जमीन नष्ट होती है या उसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ डिग्रेडेड अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इंडस्ट्रीज कॉज द लैंड डिग्रेडेशन सो सम इंडस्ट्रीज डंप सॉलिड वेस्ट वेस्ट विच कंटेन्स हार्मफुल केमिकल ऑन द नेबरिंग लैंड्स इंडस्ट्रीज क्या करते हैं उनका जो सॉलिड वेस्ट होता है जो ठोस कचरा होता है उसको आसपास की जमीन पर फेंक देते हैं दूसरा सम इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज वेस्ट वाटर टू द फील्ड्स वो अपना गंदा पानी फेंक देते हैं देन मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज दे ऑल्सो क्रिएट डिग्रेडेशन एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो कॉज डिग्रेडेशन बड़े पैमाने पर हम इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जंगल काटते हैं तो इन कारणों से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है तो ये जो कारण है बच्चों चार कारण दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से आप देख लेंगे देन मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइन लैंड एंड सॉइल अब हमको ये तो पता चल गया कि हम कैसे जंगल को या लैंड रिसोर्सेज को नष्ट कर रहे हैं तो हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं सो द फर्स्ट मेजर इज सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्ट्रेशन कंट्रोलिंग ग्रेजिंग एंकरेजिंग ए फॉरेस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन द दिली एरिया द सेकेंड रीजन इज preparation of shelter belts for of plants and stabilizing of land, sand dunes by growing thorny bushes which help to prevent land degradation in deserts we can create shelter belts we can plant trees at the edge of uh, desert areas so that the speed of wind can be controlled uh, similarly uh, plantation in coastal area can prevent the floods coming from uh, sea area so uh, by preparing pre 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 sorry, by preparing shelter belts we can stabilize the sand dunes as well as the land degraded by the uh, running water then the third measure is mining activity should be controlled New technology which reduces waste can be adopted. So, if we adopt the latest technology, we can save the land degradation or we can reduce the land degradation during mining activities. The next point is industrial waste, waste should be chemically treated to remove the harmful substances. So, treatment of solid waste or industrial waste is very important to reduce the land degradation. Then the next point is urban waste should be used for the production of biogas and bio methane. So tons of uh, waste, urban waste is produced daily in the country. रोस बहुत सारा थोस कचरा शहरों से निकलता है जिसमें घरों का कचरा है, टॉयलेट्स का कचरा है शहरों का कचरा है तो दिस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड बायो मैन्यूर्स एंड दे कैन बी यूज इन द मैन्यूर्स कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड गैस कैन बी यूज फॉर एनर्जी पर्पज देन द नेक्स्ट मेजर इज ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलो सो दिस Uh, instead of simple irrigation we can use sprinkle irrigation which reduces the use of water then you can see the proportion of or the area covered under the degraded land so about 130 million hectare of land is degraded in india uh, 56 percent of it is water eroded 28% of it is forest degraded 6% of it is saline and alkaline deposit and 10% of it is wind eroded area then the next topic is soil as a resource so we uh, soil uh, is a part of land resource it is Extremely important resource for human beings. So, what is this soil? This is the uppermost layer of the earth crust which is loose, broken, and useful for plants and animals. So, the topmost layer of the earth, land is called soil which contains humans, bacteria, earthworms, other minerals, and they are useful for cultivation now this soil is formed with the due to the process of weathering so as a result of weathering a layer of loose rock material is formed on the land surface if this layer remains undisturbed for a long time of period of time chemical and physical organic changes take place in it दीज चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इसके बारे में आप साइंस में छोटी क्लासेस में या अन्य क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पेरेंट रॉक टूटता है और उस पेरेंट रॉक के धीरे धीरे वेदरिंग के कारण या अन्य प्राकृतिक कारणों से वो सॉफ्ट हो जाता है फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं ह्यूमस बनता है और वो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है देन the factors which influence the factors which influence or govern the soil formation process so these factors are first is climate it decides the rate of weathering and the type of vegetation second is topography it decides the accumulation of soil then the next is nature of parent rock it decides composition and texture of the soil next topic point is vegetation which decides amount of humus available in the soil now why this soil is important or importance of soil so man depends on the soil directly or indirectly for its food whatever food we are eating or utilizing everything directly or indirectly comes from the soil then agriculture can be practiced only if soils are available the third reason is or the third importance is human gets the material needed for shelter and clothing directly or indirectly from the soil then these soils are also essential for the growth of forest so, now this soil has four layers. Which layers? First, the basic or parent layer is called weathered, unweathered layer. This is also called parent layer. Then, after weathering, it is broken into substratum soil. Then, the third stage is subsoil, means the area or the soil which is soft. Or in which is converted into uh, small particles, and the topmost layer which contains humus is called topsoil. Then the next topic is classification of soil. Ya mridaka vargi So the first and most important soil is alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains made of this soil. These soils have been deposited by the three important river systems: the Indus, Ganga, and the Brahmaputra. This alluvial soil consists of sand, silt, and clay. As a whole, it is very fertile soil. So, alluvial soil, it is the soil. डिपॉजिटेड बाई द फ्लड्स ऑफ रिवर जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं मतलब जल के द्वारा बिछाई गई मिट्टी ये मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती है जिसमें जैविक अंश बहुत ज़्यादा होते हैं और जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में ये एलूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है द नेक्स्ट सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल ये देखने में काले रंग की होती है दिस साइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड दिस आर ऑल्सो नोन एज रेगर्ड सॉयल और ब्लैक कॉटन सॉयल तो इनके तीन नाम है एक ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी दूसरा रेगर्ड सॉयल और तीसरा ब्लैक कॉटन साइल इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन साइल बिकॉज इट इज़ वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन this soil is made up of lava flows or when in ancient time there was a volcanic eruption due to volcanic eruption these soils were formed they are made up of extremely fine clay material and they have the capacity to hold moisture very much but the moment मानसून आकर्स दे हैव टू बी कल्टिवेटिड अदरवाइज दे आर सो स्टिकी देट दे के नॉट बी कल्टिवेटिड देन द थर्ड सॉयल इज रेड एंड येलो सॉयल रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स सो जो रवेदार आग्ने चट्टाने होती हैं वहाँ पर ये लाल मिट्टियाँ बनती हैं सो so, दे डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक एंड प्लेटो दीज सॉइल्स डेवलप्ड रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इट लुक्स येलो वेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म सो ये जो लाल मिट्टी होती है इसका कारण ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं आग्नेय चट्टानों में जहाँ लोहे का अंश होता है वहाँ पानी के कारण जंग जैसा जंग जैसा रिएक्शन होता है और इस कारण से ये मिट्टी लाल दिखती है और जब इसमें से, से बहुत ज़्यादा पानी होता है बह जाती है तो ये पीले कलर की दिखती है देन द नेक्स्ट सॉइल इज़ लेटेराइड सॉइल द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया विच

इड सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन आफ्टर एडिकुट डोजेस ऑफ मैन्य फर्टिलाइजर्स देन द नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉयल दिस रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर दे आर जनरली सैंडी इन टेक्स्चर एंड सेलाइन इन नेचर मतलब इनमें कंकड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और खारापन होता है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉयल लैक्स ह्यूमन एंड ह्यूमस एंड मॉइस्चर मतलब चूँकि टेम्परेचर सूखा होता है मॉइस्चर कम होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए क्या होता है कि एवोपोरेशन के कारण इस मिट्टी में मॉइस्चर और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है इट इज़ बेसिकली फाउंड इन द ए एरियाज ऑफ राजस्थान देन फॉरेस्ट सॉयल दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड mountainous area where sufficient rainfall are available the soil texture varies according to the mountain environment where they are formed they are loamy and silty in valley sides and coarse grain in the upper slopes now the next topic is soil erosion ya mridaka sharan so soil erosion means Removal of topsoil from one place to another by natural agencies. It, it is caused by running water and wind. Deforestation, overgrazing, and unscientific agriculture practice are responsible for the large scale erosion. So, there are two types of soil erosion. One first is called गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन द रेन वाटर वेन मूव्स डाउन ऑन ऑनइवेंट लैंडस्केप अवे द सॉइल एंड फॉर्म डीप चैनल्स कॉल्ड गलीस दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन लैंड विच इज़ ब्रोकन इंटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज इज़ कॉल्ड बैड लैंड बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर इकोनमिक एक्टिविटीज बैड लैंड या उत्खात भूमि जिसको कहते हैं चंबल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गली इरोज़न। सो यू कैन सी दैंडस्केप ऑफ द गली इोजन बड़ी बड़ी नालियाँ बड़े बड़े खाई जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें चलना मुश्किल होता है और ना तो किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है सो नाउ द नेक्स्ट इज शीट इरोजन या परत परदन जिसको कहते हैं ठीक परत परदन या शीट इरोजन सो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लो द वॉटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल जो मिट जब बहुत ज़्यादा बारिश होती क्या होता ऊपर की मिट्टी की एक लहर जो एक लेयर होती है मिट्टी की वो पूरी की पूरी बारिश के द्वारा वॉश आउट हो जाती है तो उसको हम शीट इरोजन या परत ऊपर देखें पूरी एक परत ऊपर की हट जाती है देन सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स अब हम मिट्टी हट तो गई बट इसे बचाएं कैसे सो द फर्स्ट मेथड इज कंटूर प्लॉइंग या समोच्च रेखीय जुताई जिसको कहते हैं तो ये दिस कंटूर प्लॉइंग रिड्यूसेस द रेट ऑफ सोल इरोजन देन इन हेली एरियाज टेरेस्ट फार्मिंग शुड बी फॉलो सीढ़ीदार खेती जिसको कहते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सीढ़ी के रूप में खेत बने हुए हैं तो इससे क्या होगा कि मिट्टी यदि ऊपर से बह के आएगी तो दूसरे नीचे वाली सीढ़ी पे रुक जाएगी देन द थर्ड इज स्ट्रिप फार्मिंग इट हेल्प्स टू रिड्यूज़ द सॉयल इोजन पट्टी के रूप में हम ऐसे लेयर्स बना लेते हैं पट्टी की और उन पट्टीदार एरियाज में खेती करते हैं यू कैन सी दिस इज दिक्चर ऑफ स्ट्रिप इरोजन स्ट्रिप फार्मिंग सॉरी देन फोर्थ इज शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स अराउंड द फील्ड रिड्यूस दॉयल इरोजन आपने देखा होगा खेतों के किनारे मेड़ होती है तो मेड़ छोटी छोटी होती है हम क्या करें खेतों के किनारे यदि छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इस तरह से यदि ये पौधे लगा दिए जाए तो क्या होगा कि पानी यदि बहेगा भी तो इन पौधों के कारण खेत में रुक जाएगा सो द फोर्थ मेजर इज़ शेल्टर बेल्ट देन द फिफ्थ इज़ एफॉरेस्ट्रेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ यदि हम बहुत सारे पौधे लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा देन द नेक्स्ट इज टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग हम पशु जो बहुत ज़्यादा चरते हैं यदि उनको रोक दिया जाए तो बड़े पैमाने पर हमारा जो सॉइल इरोजन है ये रुक जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसोर्स सॉइल्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आए होंगे यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं नमस्कार